Question number 4. In this question, we have write each of the following as decimal. कुछ number दिए हुए हैं हमें, कुछ whole number दिए हुए हैं और fraction में दिए हुए हैं. इन्हें हमें decimal form में लिखना है. So part A, 20 plus 9 plus 4 by 10 plus 1 by 100. 20 में 9 का add करेंगे तो 29 plus 4 by 10 को decimal form में करेंगे तो 0.4 plus 1 by 100 को decimal form में करेंगे तो 0.01. अब 29 में 0.4 एंड 0.01 का ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 29.41. Now part B, 137 plus 5 by 100. Fraction में decimal form में करेंगे तो 0.05. So 137 plus 0.05. 137, 0 ones place पर है, 0.05. यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या पुट करेंगे, 0.08550.0731. तो हमारा आंसर क्या होगा, 137.05. नाउ पार्ट सी, 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000. इसे हम डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 0.7. 6/100 को करेंगे तो कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब 2 डिजिट के पहले डेसिमल रहेगा 1 2. तो 0.06 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 1000. कितने जीरो है, 3 जीरो है, विच मीन्स 3 डिजिट के पहले डेसिमल रहेगा 1 2 3. तो 0.004. अब एड करेंगे हम 0.7, 0.06, 0.004. 4 as it is, 6.7. तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.764. क्वेश्चन नंबर 5. Write each of the following decimals in words. हमें कुछ decimal number दिए हुए हैं जिन्हें हमें words में लिखना है. For example, 266. इसे हम कैसे लिख करते हैं, 266. अगर 36 लिखा हो तो इसे क्या रीड करेंगे, 36. बट अगर मैंने यहाँ पर decimal लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 26.6. यहाँ पर अगर मैंने डेसिमल लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 36.21. डेसिमल के पहले वाले नंबर को तो जैसे हम रीड करते हैं नॉर्मल में वैसे ही रीड करेंगे, बट डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम सिंगल सिंगल रीड करेंगे. 36.21 रीड नहीं करेंगे, क्या होगा, 36.21. फॉर एग्जाम्पल 266, ये क्या हो जाएगा, 266.266. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, 0.03. जो हम रीड कर रहे हैं वही हमें वर्ड्स में लिखना है, 0.03. नाउ पार्ट बी, 1.20. डेसिमल के बाद वाली डिजिट को हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल रीड करते हैं तो 1.20 रीड नहीं करेंगे, 1.20. So 1.20. Now part C, 108.56. So 108.56.